भैया महरोज और एनी अभी तक क्यों नहीं आए? और वो लोग भी नहीं आए जिनके लिए ये दावत रखी है। थोड़ा सब्र कर ले मेरी प्यारी मम्मी और खाला, वो लोग आते ही होंगे। अरे बाहर के लोग आकर बैठ गए हैं और घर वाले अभी तक पहुंचे नहीं। जी, बाहर के लोगों के लिए इतनी सजावट थोड़ी की जाती है। खाला, कभी कभी अपनों के लिए करना पड़ता है। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ भी ड्रामा कर रही है। वो तो खुद ही एक बहुत बड़ा ड्रामा है। देखें, वो लोग भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी महरोज तुम दोनों ने आने में। प्लीज बैठे। आप बेटा, चलें जब तक ये ऑन करते हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर हम आ तो गए, लेकिन पता तो चले कि तकरीब क्या है। महरोज ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी 2 दिन में तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट होना है, क्यों तुम खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो? मम्मी मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है कि हाँ 2 दिन में मैंने एडमिट हो जाना है, लेकिन ना मेरे पास जितना भी वक्त है मैं बस उस वक्त को एंजॉय करना चाहता हूँ अपनों के साथ। भाई वैसे सरप्राइज क्या है, अब तो बता दें। अच्छा ठीक है, शायद आप में से किसी को भी आज की डेट के बारे में ना पता हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि आज वही डेट है जिस दिन आज से 3 महीने पहले एनी मेरी जिंदगी में आई थी, आज के दिन। और इसलिए आज के दिन को मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ एज आवर वेडिंग एनिवर्सरी, और इसलिए आप सबको जहमत दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आप, मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। महरोज, तुम अपनी एनिवर्सरी जरूर मनाओगे बेटा? मम्मी वक्त से मेरी कुछ खास दोस्ती नहीं रखती, और आपको पता है मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या होता है, कौन होता है। प्लीज आइए और हमारी खुशी में शरीक होइए। प्लीज एक मिनट भाई, एक मिनट। ये एनी भाभी को पहनाए। अरे वाह, ये तो मेरे प्लान में नहीं था। इस बंदे को भी कुछ अकल दिया अल्लाह साहब। बहुत खुश रखोगे तुम अपनी बीवी। फिलहाल आप अपनी बीवी पे फोकस करें। एनी, रोना नहीं। आजे आजे आजे, प्लीज प्लीज। हैप्पी एनिवर्सरी टू महरोज एंड एनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिताया चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी, ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही, रुक सा गया मेरा।
महरोज बेटा बहुत अच्छा लगा, तुमने माशाल्लाह सबको सरप्राइज कर दिया। थैंक यू सो मच, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं जाता, अफान को भी जाता है, सारी अरेंजमेंट्स इसकी थी। आइडिया तो आपका था बेटा, आइडिया जिसका भी था लाजवाब था, और अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। और बाबा साथ में ये भी दुआ दीजिए कि आपकी बेटी सदा सुहागन रहे, और आने वाले हर साल हम इसी तरह एनिवर्सरी मनाएं। आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि महरोज ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप सरप्राइज दे ही रहे थे तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते, मैं भी अपनी बेगम के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता। अभी नाराज हो जाएगी, कैसे मनाऊंगा इसे? हरगिज नहीं, और मैं क्यों नाराज होंगी, बल्कि मैं तो अपनी बहन की खुशी में उससे ज्यादा खुश हूँ। इंशाल्लाह तुम्हें और बहुत सारे मौके मिलेंगे इसी तरह की खुशियां मनाने के। अनफॉर्चुनेटली अपना मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अरे बेटा ऐसा मत कहें भाई, आप देखेगा आपके हर बच्चे के फंक्शन में मैं ही भाग रहूंगा, क्योंकि शहरयार भाई के पास तो टाइम ही नहीं होगा। क्यों, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होंगे क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बस फिर हम तय कर लेते हैं कि अपने अपने बच्चों के फंक्शन में खुद ही भागेंगे। चल हम भी क्या फालतू बातें लेकर बैठ गए। अरे भाई अब चलना है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल चलना चाहिए जी। बस अंकल मेरे लिए दुआ कीजिएगा।